माइक्रोस्कोपिक होती है जिसके अंदर हम 4 से 5 होल बनाते हैं अब्डोमेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद सर्जरी करने के बाद जो मेन एम सर्जरी का है वो है हार्मोनल चेंजेस। लोगों को कई गलतफहमी है कि शायद सर्जरी करने से खाना कम हो जाता है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ये इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो हार्मोन की वजह से पड़ता है, तो ये हार्मोन से खाना आपका कम होता है, अंदर से ही होता है, ये आपको फोर्सफुली नहीं करना पड़ता है। जिन लोगों का वजन बढ़ता है उसमें 2 चीजें हमें देखने को मिलती है, तो स्टमक का साइज बढ़ जाता है या इंटेस्टाइन की लेंथ बढ़ जाती है। तभी वो लोग ज्यादा भी खा लेते हैं, और अगर कम भी खाते हैं तो इंटेस्टाइन में ज्यादा रहता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। तो ये जो हार्मोन है यहाँ पर, ये भूख लगने वाला हार्मोन है। जब सर्जरी होती है, एक सर्जरी के अंदर ये पार्ट ऑफ स्टमक हट जाता है और ये हार्मोन भी इसके साथ हट जाता है। लेकिन हमारी बॉडी जो भगवान ने बनाई उतनी यूनिक है कि कुछ भी डेफिशिएंसी होती है बॉडी उसको दोबारा बनाने की कोशिश करती है अलग अलग जगह से। तो जिन लोगों की सर्जरी होती है 6 महीने साल तक उनको इसका इफेक्ट रहता है, और फिर स्टमक के बाहर जो सोर्सेज है वहां से नया हार्मोन बनना शुरू होता है, तो आपकी भूख दोबारा से स्टार्ट होती है। कह सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है अभी पैदा हुआ है, पहले लिक्विड में था, फिर धीरे धीरे सॉफ्ट डाइट पे आया, फिर धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे आया और सही खाना खाना सीख गया। अगर ऑपरेशन करने से खाना ही बंद हो जाए तो ऑपरेशन बेकार है, फिर तो एक चेन लगा लो मुंह के ऊपर, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग सर्जरी कराने के बाद सोचते हैं कि हमें अपने आप सारा इफेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, रेगुलर एक्टिविटी की है, रेगुलर चार्ट, रेगुलर अपनी एक्टिविटी के साथ डाइट फॉलो की है, और वो डाइट फॉलो करने में बॉडी आपकी मदद कर रही है। जिन लोगों का चार्ट मेरे पर डेली नहीं आता है मैं उनकी फिर ज्यादा मदद नहीं कर पाता हूँ, जैसे आपका नहीं आ रहा है मुझे पिछले 1.5 महीने से। नहीं डेली आ रहा है जी, उनको उनको आ रहा है, भेजा करो, उनको आ रहा है डेली। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि चार्ट डेली आना चाहिए। चार्ट डेली आएगा, और अगर आपका एक्टिविटी लेवल डेली आएगा, जिसने लोग भेजते हैं ग्रुप में आप देखते हैं, उसके अंदर हेल्थ बड़ी अच्छी तरीके से होती है। इसके ऊपर आए दूसरी सर्जरी जो है वो गैस्ट्रिक बाईपास है। इस सर्जरी के अंदर और उस सर्जरी के अंदर जो फर्क है वो ये है कि उसमें तो स्टमक बाहर आ गया, इसमें स्टमक अंदर है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑनेस्ट रहें हमारे साथ, अगर कुछ भी आपने बाहर खाया बता दो, क्योंकि उसकी मेडिसिन आपको मिल जाएगी। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ। लोग आगे आपने बोलते हैं ना कि हमने चीट किया, कभी कभार करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता भी करो तो आपको उसका सोल्यूशन बता देंगे। इसके अंदर छोटा सा स्मॉल पाउच बनता है 30 से 50 ml का, और ये नीचे वाली इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। जो नीचे वाली इंटेस्टाइन है फिर खाना उसको बाईपास कर देता है, तो खाना सीधा इसके अंदर आता है, और यहाँ से जूसेस है आपके, तो यहाँ पे खाना हजम होना शुरू होता है। तो अराउंड 1.5 से 2 meters इंटेस्टाइन आपकी बाईपास हो जाती है, जिसमें खाना नहीं जाता है। इससे भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जो इंसुलिन की तरह काम करते हैं, और इंसुलिन का जो काम है वो है कि फैट को जलाना। और जिन लोगों को डायबिटीज है वो भी इसी तरह से ठीक होती है, क्योंकि तो बॉडी में इंसुलिन जैसा हार्मोन इंक्रीज हो रहा है। जितने भी लोग डायबिटिक है वो डाइट पे पूरा कंट्रोल नहीं करते, इससे पूरा कंट्रोल हो जाता है। दूसरी चीज वॉकिंग आपकी शुरू हो जाती है, तीसरी चीज हार्मोन्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। तीनों चीजें मिला के सर्जरी में इफेक्ट मिलता है। यही सर्जरी का केस आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राकेश जी आप आ जाइए। एक और सर्जरी है, 3 सर्जरी हम करते हैं, कोई बात नहीं अभी आ जाएगा थोड़ी देर। उसके अंदर जो स्टमक का जो पाउच है वो बड़ा होता है, और जो बाईपास एरिया है वो 2 meters ही रहता है। अब जो आपने पूछा कौन सी सर्जरी किस्म होती है, जिसको डायबिटीज है बहुत टाइम से, जो इंसुलिन पे है उनके लिए बाईपास बेटर है, और जिनको डायबिटीज है उनके लिए स्लीप बेटर है। यही कंडीशन है पूरे पूरे वर्ल्ड में। राकेश जी से मिलेंगे हम। हेलो, मेरा नाम राकेश शर्मा है, और मैं डॉक्टर साहब से 4 साल पहले मिला था। मेरा 14 जून 2014 को मेरा सर्जरी हुई थी, और मैं हाईली डायबिटिक था, वेट भी ज़्यादा था, और जिस दिन से सर्जरी कराई है विद द ब्लेसिंग ऑफ डॉक्टर साहब और सही गाइडेंस की वजह से, वेट तो लॉस किया ही किया है, लाइफस्टाइल चेंज हुई है, मगर शुगर की मैं कोई दवाई नहीं ले रहा 4 साल से। डे 1 से ही मैं शुगर की कोई दवाई नहीं ले रहा, बट हाँ जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि रेगुलर फॉलोअप जो है वो ज़्यादा जरूरी है।
और एक और बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, जो हमारा ग्रुप है सिर्फ उसमें डाइट चार्ट डालें, अलग इंडिविजुअल किसी को नहीं भेजना है, ग्रुप के अंदर डालें। उससे दो फायदे होते हैं आपको, जब आप चार्ट ग्रुप में डालते हैं तो जो आदमी, जैसे सुप्रिया का रोज आता है 1.5 साल से, जो आदमी नहीं कर रहा है ठीक, उसको समझ आता है क्या ठीक करना है, और अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, उसके अंदर लोग ही करेक्ट कर देंगे। मेरे से ज्यादा बेटर जिन लोगों की सर्जरी हो चुकी है वो आपको बता सकते हैं। तो छुपाना क्यों है? अभी 15 दिन पहले हमने किसी की सर्जरी की थी, उसका मैंने फेसबुक अपडेट देखा, उसने लिखा हुआ है 30-day challenge, उसमें लिखा हुआ है नो चिप्स, नो समोसा, नो वो। अब एक जरा सा बुखार होता है, फेसबुक पे डाल देते हैं मेरे को फीवर हो गया, आज मैं ऑफिस नहीं गया। हमारी प्रॉब्लम यही, हम छुपाते हैं लोग, मैं तो डाइट कर रहा हूँ यार, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक तो आप झूठ बोल रहे हो, एक तो आप सच नहीं बता रहे, और जो आप जिन लोगों को आप छुपा रहे हो उनकी आप मदद नहीं कर रहे, उनको सही गाइडेंस नहीं दे रहे आप। तो जो लोग यहाँ पर आके बताते हैं कि मैंने सर्जरी की है, उनसे बड़ी चीज अचीवमेंट कोई नहीं है, क्योंकि वो छुपा नहीं रहे, वो लोगों को सही चीज बता रहे हैं, सच बता रहे हैं। आप 10 में से 8 लोगों को मिलेंगे ना जिनका 50-60 किलो वजन कम हो चुका है, सबकी उनकी सर्जरी हुई भी है, लेकिन वो लोगों को छुपाते हैं कि यार लोग मेरे से बात करना बंद कर देंगे, मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। कुछ नहीं होगा, अगर वो इस तरह सोचते हैं तो वो आपके दोस्त या रिश्तेदार है ही नहीं। जो सही सोचता है वही आपका रिश्तेदार है या दोस्त है। तो ये छटनी हो जाएगी आपकी, जो अच्छे नहीं हो अपने आप ही हट जाएंगे। और जो भी चीज़ है अगर आप बताएंगे तो उसका इफेक्ट और हेल्प ज़्यादा हो पाएगी आपकी, बजाय कि छुपाने से, किसी को ना बताने से। अब सजल के अंदर अगर इतनी हिम्मत है कि वो इतनी एंगेज में आकर यहाँ पे सबके सामने बोल सकती है कि मैंने सर्जरी कराई और मैं हेल्दी हूँ, तो हमारे अंदर क्यों नहीं है? इसलिए एक और क्लैपिंग उसके लिए होनी चाहिए। अगर मैडम के अंदर इतनी हिम्मत है, कितनी एज में आकर यहाँ पर आके बोल सकती है कि मैंने ये कराया है और इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, तो एक तो आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो होपलेस हो गए हैं, जो डिप्रेशन में चले गए हैं, काफी लोगों की जॉब चली गई है, ये सब लोगों की बहुत हेल्प होगी अगर आप सच बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, केक वॉक है, केक वॉक नहीं है, उसके अंदर गाइडेंस की पूरी जरूरत है, उसके अंदर हेल्प की पूरी जरूरत है। इसीलिए ये प्रोग्राम होता है कि लोग आए, अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करें, और लोग उनसे देखें मोटिवेट हो, वो अपने आप से मोटिवेट हो। ये नंबर गेम थोड़ा थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। और एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करें आप। अगर किसी ने 34 किलो 5 महीने में लूज कर लिया है, तो जिनका 1 महीने में 12 किलो है, वो ये ना हो जाए कि मेरा तो ओवर नहीं, उसका कैसे हो गया, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। किसी आदमी की बॉडी में फैट ज्यादा है वो ज्यादा लूज करेगा। सुप्रिया ने 78 kg लूज कर लिया, वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा। जिसका 90 kg है वो तो गायब ही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये भी बड़ा समझना जरूरी है। तो हम लोगों से घबरा क्यों रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं चीजें? आप ओपन रहिए, आप ओपन रहेंगे आपकी हेल्प अपने आप हो जाएगी। और इंडिविजुअली चीजें इतनी समझ में नहीं आती हैं जितनी बाकी लोगों के सामने समझ आती है। अगर कोई इशू है, मैं बोल रहा हूँ यहीं पे बताऊँ, उसका सोल्यूशन आपको इन्हीं लोगों से मिलेगा क्योंकि वो ये चीज फेस कर चुके हैं। मैंने फेस नहीं किए, मैं तो किताबी बातें बताऊंगा आपको, ये कर लो ये कर लो, आप वॉक नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग प्रैक्टिकली करके उसको अचीव कर चुके हैं वो आपको मैसेज बेटर बता देंगे। हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी आप छुपे ही नहीं, बताइए। अब मैं इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लोग डालते हैं इस अपनी एक्टिविटी, कोई उनको मोटिवेट ही नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता वेरी गुड, हर बारी मैं ही करता रहता। तो मैंने भी 2 दिन से व्हाट्सएप बंद कर दिया, अरे 2 दिन मेरे को भी शांति चाहिए, 4 दिन बाद देखूंगा 200-400-500 जितने मैसेज आएंगे। तो आप उनको मोटिवेट क्यों नहीं करते? जो बाकी लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको मोटिवेट करें, आप करेंगे वो आपको मोटिवेट करेंगे। जो एक एफर्मेशन है वो एक मेडिटेशन है, वो भी एक मेडिटेशन है। मेडिटेशन बैठने का मतलब ये नहीं कि कमरे में बैठ के आपने 10 मिनट सिर्फ नाम लेना है और सुनना है, वो एक टाइप का अफर्मेशन, एक और टाइप की मेडिटेशन है। उससे पॉजिटिविटी आपके अंदर भी आएगी, दूसरे आदमी के अंदर भी है। अपनी भी सक्सेस एंजॉय करिए और उनकी भी सक्सेस एंजॉय करिए, उसी में मजा आएगा। और यहाँ पर हम सभी की सक्सेस एंजॉय करते हैं। ये है थर्ड सर्जरी जो मैं बताना चाह रहा था आपको। इसमें छोटा पाउच है, इसमें बड़ा पाउच है, और यहाँ पे कनेक्शन होता है, एक ही कनेक्शन होता है, दो नहीं होते। और डायबिटीज जिनको ज़्यादा है और जो इंसुलिन लेते हैं उनके लिए भी ये बेटर है। जिनको डायबिटीज नहीं है, जो यंग है, जो वॉल्यूमीटर है, उनके लिए स्लीप बेटर है। बस यही 3 प्रोसीजर है। प्रोसीजर तो 100 से ज़्यादा है, लेकिन ये 3 स्टैंडर्ड है। आपकी बात इस पर रुकी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं डॉक्टर साहब को फॉलो जरूर करता हूँ, चाहे मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादा नहीं रहता हूँ। बाय प्रोफेशन वी आर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वी हैव अ रेडिसन गुड़गांव, वी आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ बिल्कुल। तो
उसके बाद डॉक्टर साहब की टीम जो पूरी टीम है, मैं सर को तो मैं रोज दुआएं देता हूं कि भगवान करे हमारी उम्र भी सर को लगे, तो लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करना एक अलग बात है, सर्जरी करना एक अलग बात है, और सर्जरी के बाद पोस्ट फॉलोअप में इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना अपने आप में एक काम है जो डॉक्टर साहब बड़े अलग करके काम करते हैं। और दूसरा जो है सारी टीम है, दिशा है, सुर भी है, तो मतलब टीम श्रुति भी है, श्रुति सबसे ज्यादा सबको फॉलोअप करती रहती है, तो टीम एक एफर्ट्स जो है सर की वो बहुत अच्छी है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सर इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहें, डॉक्टरी प्रोफेशन के साथ साथ जो ये काम अपने करते रहते हैं करते रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। Yes, that's the motivation.